समय हमें देखो दूर और पहले पूरा समझ लेंगे उसके बाद ही देखेंगे। खगोलीय दूरबीन सिंपल से बात है, इसका निर्माण 1911 में डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्री केपलर ने किया था। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पृथ्वी तरह के खगोलीय वस्तु जैसे चंद्रमा और बहुत सारे आकाशीय बिंदु को इसकी सहायता से स्पष्ट रूप से दिखा देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका बनावट स्ट्रक्चर। तो सवाल पूछते हैं खगोलीय दूरबीन क्या है ना, इसकी बनावट और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजन प्राप्त है। सिंपल सी बात है, खगोलीय दूरबीन से इसके पहले हम लोग पढ़े थे, समझ लेंगे पूरा, ध्यान यहाँ पे भी रखेंगे, ऐसा नहीं ठीक है ना, इधर उधर नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो लेंस होते हैं, इसमें भी दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें एक लेंस का जो द्वारक और फोकस दूरी होता है दूसरे लेंस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दो लेंस एक ही नली में समाक्षीय रूप से लगे होते हैं, जिसमें जिसमें जो वस्तु के समीप जो लेंस रहेगा उसको हम अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो नेत्र के समीप लेंस रहेगा उसको अभिनेत्र लेंस। सिंपल सी बात है, तो जरा सा गौर से समझिए, चूंकि हम शरीर के सूक्ष्म दर्शन में पढ़े थे कि यहाँ पे जो लेंस था उसके पास में एक वस्तु, यहाँ पे छोटा सा वस्तु रखते थे, फिर इसका प्रतिबिंब इधर बनता था और फिर इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। लेकिन ये खगोलीय दूरबीन यहाँ पे जो वस्तु रहेगा वो तो अनंत रहेगा ना, गौर से समझिए, चूंकि ये खगोलीय दूरबीन हम लोग खगोल की वस्तु को देखेंगे है ना, तो इसमें जो वस्तु होगा अनंत पे होगा, इसमें वस्तु की स्थिति को हम लोग अनंत पे लेके जाएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे फिगर बना रहे वैसे ही बनाना है तुमको, ठीक है, जैसे फिगर बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। देखिए अनंत पे वस्तु रहेगा तो वो क्या कर रहे हैं, अनंत से प्रकाश किरण आ रहे, ठीक है, अनंत से प्रकाश किरण आएगा, ये भी अनंत से एकदम समानांतर प्रकाश किरण आती है, ये दोनों एक दूसरे की समानांतर आएगी। फिर क्या होगा कि इस लेंस से वो थोड़ी सी अपवर्तित होगी, तो क्या होगा कि ये अनंत से प्रकाश किरण, ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, अनंत से प्रकाश किरण आ रही है और इस लेंस भी आएगी। तो आप खुद बताओ, वस्तु तो इधर है जी जी, तो इस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक लेंस बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि यह वस्तु के समीप है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब बन गया था, अब हम लोग पढ़े थे कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अब मतलब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, फिर इसलिए कोई प्रतिबिंब बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, फिर ये क्या होता है, इसके प्रकाशित केंद्र से एक किरण और फिर इससे ऐसे ही बनाया जा सकता है ना। फिर यहां पे हमको एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना जो कि आवर्धित था और उल्टा उल्टा, कितना दूरी पे बना भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रहता। हम लोग कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यानी इधर हमारा नेत्र है। अब तो सिंपल तौर पे समझ सकते हैं कि नेत्र के समीप वाले लेंस को हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं, वस्तु के समीप वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसको हम ओ बोलते हैं, इसको हम ई बोल रहे हैं, क्योंकि ई माने आईपीस लेंस, आईपीस माने नेत्रिका, ऑब्जेक्टिव आईपीस। इतना समझ में आ गया। अब बताइए किसी भी लेंस पे क्या होता है कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पे रहती है, जब वस्तु अनंत पे रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। सिंपल सी बात है, तो ये इसके लिए फोकस बिंदु होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो फोकस दूरी होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये फोकस दूरी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए यहाँ पे ओ लिख दिए। समझ में आता है सर, मतलब ये इसके लिए फोकस दूरी, यहाँ पर एफ ओ लिख दिए। अब बताइए किस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, क्या हम यहाँ से यहाँ तक यू ई लिख सकते हैं, बोलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा था 2014-13 में पूछा हुआ था कि खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना, तो खगोलीय याद रखिएगा, खगोलीय
और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माने खगोलीय दूरबीन और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है सीधा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे उल्टा और काल्पनिक बनता है। यहाँ पे सीधा नहीं रह जाता वो उल्टा है काल्पनिक है आवर्षित है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। देखिए जितना भी हम लोग यंत्र लगाते हैं ना तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो सारे के सारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ठीक है और आवर्धित बनेंगे। इतना भी कोई दिक्कत है? अब देखिए इस दोनों लेंसों को हम लोग क्या करते हैं एल डिस्टेंस पे रखते हैं। सपोज दैट एल एम एन कुछ भी मान लो एल दूरी पे रख दिए। अब देखिए इस लेंस का फोकस दूरी हमको नहीं पता। सपोज दैट यहाँ पे इसका फोकस होगा सपोज कर रहे हैं एफ ई के लिए तो यहां से यहां तक एफ ई हो जाएगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एफ ओ यहां से यहां तक मेरा एफ ई है ये वस्तु दूरी यू ई और ई एल इसके विषय में पूरा जो है जितना डाटा हो सकता है वो हम देखिए। एक चीज और इसमें छूट रहा है क्या छूट रहा है तो वस्तु से क्या होता था कि जब हमारे नेत्र पे कोई दर्शन कोण बनता था उसको हम अल्फा लिखते हैं तो यहाँ पे जो दर्शन कोण होगा अल्फा। लेकिन देखिए यहाँ ये अल्फा इसके बराबर जाएगा मतलब ये अल्फा हो जाएगा कोई दिक्कत। जो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पे जो एंगल बनाया जाता था वो बीटा होता था हम इसको बीटा लिखते हैं। इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता था उसका हम कुछ नाम दे देते हैं अपने से हम क्या करते हैं इसको ए दे देते हैं ए इसको देते हैं बी इसको हम देते हैं ए डैश्ड यहाँ पे देते हैं बी डैश्ड। इसके पहले जो प्रतिबिंब बनाए थे वहां पे क्या था इसके पहले जो संयुक्त एक वस्तु था ए बी बी उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डी डबल डैश। ये संपूर्ण आपका खगोलीय दूरबीन का फिगर है। ये कौन सा हो भाई खगोलीय दूरबीन का ये बताइए समझ में आया कि नहीं खगोलीय। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे पहले समझ लीजिए पूरा लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जैसे हम कैसे लिखते हैं खगोलीय दूरबीन पृथ्वी पर रखे खगोलीय वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे खगोलीय दूरबीन। इसमें बनावट से लिखेंगे तो इसमें दो उत्तल लेंस एक ही नली में समाक्षीय रूप से लगे ठीक है। वस्तु के समीप रहने वाले लेंस को वस्तु के समीप रहने वाले लेंस को अभिदृश्य का लेंस ये कौन सा लेंस है अभी इंग्लिश होता है ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे वो लिख दिए तो ये वस्तु के समीप रहने वाला लेंस है तो वस्तु के समीप रहने वाले लेंस को अभिदृश्य लेंस कहते हैं। नेत्र के समीप रहने वाले लेंस को नेत्रिका लेंस लिखते हैं। ये चीज लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे कि चूंकि अनंत से जब प्रकाश किरण आएगी अभिदृश्य लेंस में तो इसके द्वारा एक प्रतिबिंब बनेगा ठीक है। वो प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा जिससे इस नेत्रिका लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे काल्पनिक एवं उल्टा बनेगा ठीक है। तो ये इसका बनावट लिख लिया पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग समझिए। अब इसका हमको क्या निकालना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता